हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सहरिश और आज मैं आप लोगों को होम साइंस का चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने होम साइंस के जितने भी चैप्टर्स की मैंने प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स डाल रखे हैं, उसके अगर आप लोगों ने सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से तैयार कर लिए, तो आई गारंटी आप लोग एग्जाम में बहुत अच्छी परसेंटेज से पास होंगे। सो प्लीज़ सारी वीडियोज़ देखिएगा। अगर आप लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो जाकर फटाफट से देख लीजिए। प्लेलिस्ट का लिंक जो है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। अगर इस लिंक में कोई दिक्कत हो, नहीं ओपन होता है, तो आप लोग मेरे चैनल पे विजिट करके जा करके भी देख सकते हैं। वहाँ मैंने प्लेलिस्ट जो है होम साइंस का लगा रखा है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हुए तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूं तो आप तक जो है मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। एंड में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और एनआईएस के जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्टैक्ट में हैं सबके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, एग्जाम की तैयारी हो जाए। एंड में अगर आप लोगों को कुछ डाउट होता है, कुछ क्वेरी होती है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होता है? आंसर है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर द न्यूट्रिएंट्स दैट आर प्रेजेंट इन अ स्मॉल क्वांटिटी इन फूड बट आर एसेंशियल फॉर अवर बॉडी। दीज आर मिनरल्स एंड विटामिन्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जो कि काफ़ी छोटे होते हैं, और वो जो है हमारे खाने की चीज़ों में जो भी हम खाते हैं, फूड जो भी हम फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, जो भी हम खाते हैं उसमें जो है काफ़ी स्मॉल क्वांटिटी में अवेलेबल होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़रूरी भी होता है, और वो जो है मिनरल और विटामिन्स होते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द डिस्टिंक्शन बिटवीन ऑयल एंड फैट? ऑयल और फैट में क्या डिफरेंस है? आंसर है, इफ़ अ सब्सटेंस इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर इट इज़ कॉल्ड ऑयल, एंड इफ़ इट इज़ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर इट इज़ नोन एज फैट। मतलब अगर कोई सब्सटेंस रूम टेम्परेचर में जो है लिक्विड फॉर्म में है तो वो जो आप लोग का ऑयल कहलाएगा, और अगर वो रूम टेम्परेचर में सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जम जाता है, तो वो आप लोग का फैट कहलाएगा। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ फूड? फूड क्या होता है? आंसर है, फूड रेफर्स टू एनीथिंग दैट वी ईट एंड विच नरिशेज द बॉडी, इट इंक्लूड सॉलिड, सेमी सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। फूड क्या चीज़ है जो हम खाते हैं? फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये हमारा फूड है, जो हमारी मील होती है, जो हम डेली रोज कोई ना कोई चीज़ घर में खाना बनता है वो सब खाते हैं, वो क्या होता है? फूड होता है। तो वो हमारे खाने से क्या होता है, वो चीज़ जो खाने की चीज़ होती है वो हमारी बॉडी में एनर्जी लाती है, हमारी बॉडी को नरिश करती है, और फूड की मदद से ही हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हमारे अंदर काम करने की क्षमता आती है, ताकत आती है, जिससे हम अपना पूरा दिन का जितना भी रूटीन होता है हमारा, चाहे हम काम पे जाएं या स्कूल जाएं, वो सारे हमारे करने का जो है पावर हमारे अंदर जो है फूड देता है, फूड की हेल्प से हमारी हेल्थ बनती है। उसके बाद लिखा है, इट इंक्लूड सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड, इस तरह की चीज़ें, जैसे कोई सॉलिड चीज़ होती है कि कोई क्रंची टाइप की हार्ड चीज़ हो गई वो खाते हैं हम, नॉर्मल जो चीज़ होती है बहुत ज़्यादा ना हार्ड में आती है ना लिक्विड में आती है। और दूसरा थर्ड हो गया लिक्विड, जैसे हम पानी पी लें, जूस पी लें, एनर्जी ड्रिंक ले लें कोई सा, तो वो हमारी चीज़ लिक्विड में आ गई। सेमी सॉलिड हो गया, जैसे हमने चावल दाल इस तरह की चीज़ें खा ली, तो बहुत ज़्यादा वो गली पानी की तरह भी नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होती है। इसके बाद आप लोग को आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन बतानी है। आंसर है, द फूड दैट वी ईट हेल्प इन द अरेंजमेंट एंड हेल्थ ऑफ अवर बॉडी ट्रीटमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन फूड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो चीज़ होती है जो हमें खाने के थ्रू जो हमारी बॉडी को मिलती है, जो हमारी बॉडी को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो हम जब फूड खाते हैं, कोई चीज़ खाने की खाते हैं फ़ायदे की, तो वो जो है न्यूट्रिशन जो है हमारी बॉडी की नीड्स को जो है फुलफ़िल करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में अगर कुछ किसी चीज़ की कमी होती है तो न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में जाते हैं, जो दो तरह के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो हमारी बॉडी में जा करके वो सारी नीड्स जो है फुलफ़िल करते हैं, और हमारे अंदर की कमियाँ जो हैं बॉडी की जितनी भी कमियाँ हैं वो पूरी करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स वो चीज़ हो गए जो खाने में अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू जो है हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है, और न्यूट्रिशन की हेल्प से जो हम ग्रोथ, हमारी बॉडी जो है ग्रोथ करती है, हम फिट रहते हैं और हम ताकतवर रहते हैं, हमारी बॉडी जो है हेल्दी रहती है। इसके बाद आता है आप लोगों क्वेश्चन नंबर 5, राइट सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के कुछ सोर्सेज बताने हैं। आंसर है, द मेन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर एज अंडर, फर्स्ट है मीट, फिश, एग, सेकेंड मिल्क, चीज़, पनीर, कर्ड, थर्ड है सोयाबीन, पीस, पल्सेस, फोर्थ है सीरियल्स, नट्स एंड ग्राउंड नट्स। ये हमारे कुछ जो हैं प्रोटीन के सोर्सेज हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में आ जाता है तो इसमें से अगर आप लोगों को कुछ याद करना हो तो याद कर लीजिए, पता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ नहीं आता है तो आप लोग इसमें से याद करके और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या काम होता है प्रोटीन का? आंसर है, पहला, प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू। प्रोटीन जो हमारी बॉडी में इसलिए नीड होता है ताकि हमारी बॉडी ग्रोथ कर सके प्रॉपरली, और मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू मतलब कि हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं उसको जो है मेंटेन रखने में, और जो अगर कुछ डैमेज हो गया है तो उसे जो है रिपेयर करने में, जो हमारे टिश्यूज़ में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, डैमेज हो जाता है, तो उसे रिपेयर करने में प्रोटीन जो है काफ़ी हेल्प करता है।
होता है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है, प्रोटीन आर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन एक्सेट्रा। मतलब कि प्रोटीन जो है किन सब चीज़ों के प्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होता है, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, हीमोग्लोबिन, ये सब जो है बना के रखने में, बढ़ाने में, खून बढ़ाने में, इन सब चीज़ों में जो है प्रोटीन काफ़ी हेल्प करता है और काफ़ी नीड होती है बॉडी को प्रोटीन की, तो हमें प्रोटीन वाली चीज़ें जो है लेते रहना चाहिए। प्रोटीन की हेल्प से हमारे हार्मोन्स भी बनते हैं, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन भी, हमारा खून भी बढ़ता है, और इस तरह की सारी चीज़ें हमारी बॉडी में बने रहें, इसलिए जो है हमें प्रोटीन की चीज़ें जो है खानी चाहिए, ताकि हमारी बॉडी में किसी चीज़ की कमी ना हो और हम जो है हर तरह की बीमारी से दूर रहें। इसके बाद आप लोग का आता है थर्ड पॉइंट, प्रोटीन हेल्प इन द क्लॉटिंग इन ब्लड। मतलब कि आप लोग के खून जो होता है वो काफ़ी लोगों का पतला खून होता है, पानी की तरह होता है, तो प्रोटीन जो लोग अच्छा सोर्स लेते हैं प्रोटीन का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या है, आप लोग का मीट हो गया, एग हो गया और फिश हो गई, ये सब चीज़ें जो है आप लोग का कर्ड हो गई, पनीर हो गई, ये सब चीज़ें आप लोग की प्रोटीन में आती हैं, तो ये अगर आप लोग अच्छी तरीके से लेते हैं, खाते पीते हैं प्रोटीन की चीज़ें, तो आप लोग का खून जो है गाढ़ा होता है। तो मतलब आप लोग का प्रोटीन किस चीज़ में मदद करता है, आप लोग का खून गाढ़ा करने में मदद करता है। इसके बाद आप लोग का आता है क्वेश्चन नंबर 7, राइट अ नोट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर के इंपॉर्टेंस के ऊपर जो है कुछ पॉइंट्स बताने हैं। तो पहला है, वाटर फॉर्म अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडी वेट। सेकेंड है, इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द सेल्स बींग अ विटल पार्ट ऑफ ऑल लिविंग टिश्यूज। तो फर्स्ट पॉइंट का मतलब है कि अगर जैसे कोई बहुत ज़्यादा फैटी पर्सन है, बहुत मोटा है, तो उसके बॉडी के 2/3 बॉडी वेट से जो है पानी बनता है, तो मोटे पर्सन को, जो फैटी पर्सन होते हैं, मोटे लोग जो होते हैं, उनको जो है पानी ज़्यादा पीना चाहिए। उसके सेकेंड पॉइंट का मतलब है कि हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ होते हैं वो लिविंग होते हैं ऑब्वियसली, तो जितने भी टिश्यू होते हैं वो पानी की उनको जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो बॉडी में अपने आप को रिपेयर करते हैं, सही करते हैं, तो उनको जो है पानी की काफ़ी नीड होती है, तो हमारे पानी जो है हमारे टिश्यूज़ की भी हेल्प करता है, और पानी जो है हमारी बॉडी के सेल्स में जो है अवेलेबल होता है, इसलिए हमारी बॉडी जो है ठीक तरीके से वर्क करे, हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है, वाटर हेल्प इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। मतलब पानी जो है हमारी बॉडी में डाइजेशन के लिए, हमारा खाना पचाने के लिए, और हमारे बॉडी में एब्जॉर्प्शन हर चीज़ जो है एब्जॉर्ब करने के लिए, और हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हम जो भी खाते पीते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो है बॉडी में हर जगह, हमारे हाथ पैर, हमारे ब्रेन में, हर जगह ब्लड के थ्रू, पानी के थ्रू जो हर चीज़ जो है जाती है, तो पानी जो है काफ़ी हेल्प करता है हमारी बॉडी को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स वगैरह हर तरफ पहुंचाने के लिए। उसके आता है फोर्थ पॉइंट, वाटर हेल्प्स टू एक्सक्रीट अनवांटेड मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर थ्रू प्रेस्पिरेशन। मतलब कि आप लोगों का जो पानी आप लोग पीते हैं, तो आप लोग के बॉडी में जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वो यूरिनेशन के थ्रू जो है आप लोग की बॉडी से निकालने में जो है पानी काफ़ी मदद करता है, इसलिए आप लोगों को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि पानी के जो है काफ़ी ज़्यादा वर्क होते हैं, काफ़ी नीड होती है बॉडी में, जो हम लोग खाते पीते हैं वो उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, जो फायदे की चीज़ें होती हैं, वो हमारी बॉडी में हर एक पार्ट में पहुँचे, पानी उसमें भी मदद करता है, प्लस आपके जितने वेस्ट मटेरियल्स होते हैं आप लोग की बॉडी में, वो जो आप लोग की हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, वो जो है आप लोग की बॉडी से आउट करने के लिए जो है पानी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, तो आप लोग को पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते रहना चाहिए। जो भी आप लोग खाते हैं, खाना अच्छी चीज़ है, अच्छे से अच्छी चीज़ खानी चाहिए, लेकिन उसका फ़ायदा अच्छे तरीके से हो, वो अच्छी तरीके से आपकी बॉडी में लगे, वो आप लोग का पानी ही हेल्प करता है उस चीज़ में। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। बाकी के चैप्टर्स अगर आप लोग ने नहीं देखे हैं तो जाके फटाफट से देख लीजिए, मैंने जो है अपने चैनल पर प्लेलिस्ट लगा रखी है, वहाँ पर आप लोग को सारे चैप्टर लाइन वाइज मिल जाएंगे, तो आप लोग को ज़्यादा सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के देख लीजिएगा, आप लोग की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सारे चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो चैप्टर में से क्वेश्चंस आएंगे, जरूर आएंगे, ये गारंटीड क्वेश्चंस, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और अगर ये सारे क्वेश्चन आप लोग इस चैप्टर के सारे कंप्लीट कर लेंगे, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे ना, तो आप लोग कुछ भी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आई गारंटीड बहुत अच्छे नंबरों से आप लोग, अच्छी परसेंटेज से आप लोग पास हो जाएंगे। और चैप्टर 1, 2, 3 अगर आप लोग ने नहीं देखा तो जाकर के देख लीजिए, बाकी आगे के चैप्टर्स भी सारे देख लीजिएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं हुए तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के बगल में बेल आइकन है, उसे जरूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूँ तो आप तक जो मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच जाएं। कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैंने NIU से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की वीडियोज़ जो अपने चैनल पर अवेलेबल कर दी है आप लोगों को। अगर आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट के बता रखे हैं, कोई सा सब्जेक्ट अगर मिसिंग है मुझसे, तो आप लोग अपने सब्जेक्ट बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसके वीडियो भी जो है अपलोड कर दूँगी यूट्यूब पर, तो आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को जो है NIU के जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्टैक्ट में, सबके साथ शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 में। सो स्टूडेंट्स, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।